नमस्कार, जेता न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान, और जैसा कि आप देख सकते हो, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जैन समाज के जैन साधुओं की ये कड़ी तपस्या और त्याग का ही परिणाम है कि आज जैतारण की पवन धरा पर विराजित प्रवर्तक शकुन मुनि जी महाराज, उप प्रवर्तक श्री अमृत मुनि जी महाराज के पवन सानिध्य में जैन संतों का जो केश लोचन हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो, इस समय युवा नानेश मुनि जी का केश लोचन अशोक जी द्वारा किया जा रहा है, और पास में श्री हितेश मुनि जी खड़े हैं, आपका भी केश लोचन हो चुका है, और युवा डॉक्टर वरुण मुनि जी महाराज भी है, जिनका केश लोचन भी कल हुआ था। और मैं नानेश मुनि जी के बारे में बताना चाहूँगा कि नानेश मुनि जी लोकमान्य संत शेरे राजस्थान रूप मुनि रजत महाराज के परम शिष्यों में एक थे, और आप वर्ष 1992 में आप महाराज के पास आए, और बाल्य अवस्था में आप शुरुआती दौर में नानेश मुनि जी उनके साथ थे। और जैसा कि बताया गया है कि आप वर्ष 1999 में किशनगढ़ में आपने विजयदशमी के दिन लोकमान्य संत के पवन सानिध्य में जैन भागवत दीक्षा ग्रहण करी, और ये इनका सौभाग्य ही कहा जाएगा कि आप लोकमान्य संत रूप मुनि रजत महाराज के परम शिष्यों में थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि वर्ष 1992 से आप उनके साथ है, और महाराज जी के अंतिम सांस तक आप साथ रहे, यानी कि आपको उनका अंतिम बार सेवा करने का भी आपको मौका मिला। आप हैं नानेश मुनि जी महाराज, जो पिछले लंबे समय से रूप मुनि रजत महाराज के आप परम शिष्यों में एक थे, और आज इनका केश लोचन किया जा रहा। और साथ में पास में खड़े डॉक्टर वरुण मुनि जी, जो उभरते हुए साहित्यकार और उद्घोषक भी कहूँगा, और आप प्रखर वक्ता भी है हितेश मुनि जी, और आप अशोक जी है जो हिंदुस्तान के विभिन्न किशोर जी है, आप जो जैन साधुओं के लगभग अब तक 500 ऐसे जैन साधुओं का केश लोचन कर चुके हैं, और इस वर्ष और हर साल, और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जैन साधुओं की ये परंपरा रही है कि वर्ष में दो बार केश लोचन करवाया जाता। आमतौर पर अपन जैसे सामान्य व्यक्ति महीने में एक दो बार सैलून की दुकान पर जाकर बाल कटवा सके, लेकिन जैन परंपरा में ये ऐसा इनका मानना है, वर्ष में दो बार इनका केश लोचन होता, और ये कैंची और इत्यादि कोई धारदार वस्तुओं का उपयोग नहीं लेता। जैसे कि आप देख सकते, देखने की हालांकि आंखों में, मेरे आंखों में पानी आ रहा है, लेकिन महाराज जी और ये बहुत ही खुशी से अपने केश लोचन करवा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते, आप नानेश मुनि जी है, एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा, आप डॉक्टर वरुण मुनि जी है जो अमृत मुनि जी के परम शिष्य है, और आप हितेश मुनि जी है, ये आपका लोचन हो चुका है और अब नानेश मुनि जी का हो रहा है, और लगभग पूरे होने की तैयारी में, और आप उभरते हुए संत हैं, और जैतारण में वर्तमान में आप प्रवर्तक श्री शकुन मुनि जी एवं उप प्रवर्तक श्री अमृत मुनि जी के पवन सानिध्य में आप यहाँ वर्षावास का चातुर्मास कर रहे हैं। मैं आईबी खान जैतारण पवन धाम से। Oh, 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 oh
Oh, 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 oh